Hello everyone, today I am going to teach you still life object drawing. Students, book draw करते समय आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दोनों lines एक दूसरे के parallel रहनी चाहिए। जैसे ये वाली line और इसके just नीचे की line, ये दोनों line एक दूसरे के parallel रहती हैं। सेम इसी तरह आपकी ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल रहती है। स्टूडेंट्स, बुक्स के ये थ्री पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट और ये लेफ्ट साइड का पॉइंट, ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे होने चाहिए। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको ये लाइंस एक रफ ड्रॉ करके उसके अंदर आप इस तरह से जिस पोजीशन में बुक रखी है उसके अकॉर्डिंग आप ये ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, 90 डिग्री पे जो पेज का वर्टिकल लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको नाप सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपको ये एरिया इस तरह से ड्रॉ करना होता है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये तीनों कॉर्नर्स आपके वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे होने चाहिए। अब इस लाइन के पैरेलल आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस टेक्निक से भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन। स्केल को आप इस तरह से रखकर और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं। आपको इस साइज, इस तरह से साइज नापना है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ चेक करके आपको इस कॉर्नर पे एक निशान लगा देना है इस तरह से, और इस लाइन की लेंथ चेक करके आपको कंपास यहाँ रखकर इस तरह से कट लगा देना है। और स्टूडेंट्स, जो पॉइंट आपको मिला उससे आप इसको मैच कर दीजिए। इस तरह से स्टूडेंट आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, बुक के जिस एरिया में पेजेस शो होते हैं आपको वहां पर स्केल की सहायता से या डायरेक्ट पेंसिल से आप लाइंस ड्रॉ करें, और जो साइड आपका बैक साइड का होता है उस साइड आप उसको शेडिंग करके, हल्का हल्का शेड करके ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से भी हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ करके और उसके अंदर फिर आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बुक का बैक साइड का एरिया है। ये स्टूडेंट्स बुक के पेजेस आपके शो होते हैं, सो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं पेजेस को। इन एरियों को आपको हल्का सा डार्क रखना होता है ताकि बुक क्लियर हाईलाइट हो सके। स्टूडेंट्स, स्टिल लाइफ ड्राइंग में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट का शेडो शो करना होता है। स्टूडेंट्स, शेडो से आपका वर्क में 3D लुक आ जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको इस तरह से हल्का हल्का सा ऊपर के एरिया में भी शेडो शो करना होता है। इस तरह से आप
बुक ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब बुक आपकी अपोजिट साइड रखी जाती है, मीन्स जैसे उसके पेजेस आपकी तरफ शो होते हैं और उसका बैक साइड का एरिया आपका अपोजिट साइड हो जाता है, उस कंडीशन में आपको बुक कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन एरियों को आप सेम उसी टेक्निक से ड्रॉ करें जैसे पहले हमने किया। सेम स्टूडेंट्स, आपकी ये 3 पॉइंट्स, राइट साइड का ये फर्स्ट, ये आपको वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। इसमें स्टूडेंट्स, ये कर्व आपका इस एंगल में आ जाएगा, सेंटर में आपका ये भी 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट साइड का ये एरिया आपका वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे, और बुक का ये कर्व आपका हल्का सा इस तरह से रहेगा। स्टूडेंट्स, जो ये सेंटर का कफ होता है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन हल्का सा आप उसको मोमेंट दे सकते हैं। ये स्टूडेंट आपको इस पोजीशन में जब बुक रखी होती है आपको इस तरह का शो होता है। अब स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर आपको सेम वही प्रोसेस रखना है। ऊपर की लाइन आप सेम इस तरह से स्केल की सहायता से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, और इसके पैरेलल आपको सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। एंड स्टूडेंट्स, आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वैसे ही आपको इस लाइन की लेंथ चेक करनी है, फिर आपको ऐसे एक निशान लगाना है, फिर आपको सेकंड इस लाइन का लेंथ चेक करना है, और इस कॉर्नर पे कंपास को रखकर आपको ये क्रॉस कर देना है। सेम वही प्रोसेस स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले किया था। ये आपकी बुक स्टूडेंट्स रेडी हो गई है। अब किसी भी टेक्निक से बुक ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस बुक के हमें 2 एरिया पेजेस वाले शो हो रहे हैं, सो हम वैसे ही सेम जैसे हमने पहले किया था इस तरह से आप इसको पेजेस को शो करें। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इस साइड के एरिया भी, ये एरिया भी हमें पेजेस शो रहे हैं। स्टूडेंट, जब बुक आपकी अपोजिट साइड होती है तो आपको वो बैक साइड का एरिया दिखाई देता है, तो उससे आप हल्का सा शेडिंग शो कर सकते हैं, और जब पोजीशन इस पोजीशन में बुक रखी हो तो आप इस तरह से इसको शो करेंगे। स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे स्टील लाइफ ड्राइंग में इसी तरह से बुक को किसी भी पोजीशन में रख कर लाइव ड्राइंग करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बुक के साथ में या बुक के ऊपर 2-3 ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास, फ्रूट या कोई पॉट साथ में रख दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, बुक की ड्राइंग में आपको ये लाइंस डार्क करनी होती हैं ताकि बुक क्लियर हाईलाइट हो सके। ऊपर के एरिया में आप इस तरह से हल्के हल्के शेडिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, शेडो हमेशा आपको लाइट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होता है। सनलाइट या लाइट जिस साइड से भी आपकी आ रही है उसके अपोजिट साइड आपको शेडो शो करनी होती है। स्टूडेंट्स, शेडो से आपके वर्क में 3D लुक आ जाता है।
ये स्टूडेंट्स आपकी बुक कंप्लीट हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप फ्री हैंड बुक कैसे ड्रॉ करें ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसमें ना ही आपको स्केल का यूज़ करना है ना ही कंपास का यूज़ करना है। सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये टू एरिया आपके 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। कफ आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ये प्रोसेस भी सेम स्टूडेंट्स, इसके लाइन के पैरेलल ही आपको नीचे की लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपकी ये थर्ड लाइन भी आपकी 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट रहेगी और इस तरह से आप इसमें भी कफ शो करें। सेम स्टूडेंट्स इसके पैरेलल आपकी ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स्ट्रा लाइंस आप इरेज करें। उसके बाद आप सेम वैसे स्टूडेंट्स शेडिंग वर्क, जो बैक साइड का एरिया है वो आपको ऐसे हल्का हल्का से शेडो शो करना होता है। लाइंस को हाईलाइट करें स्टूडेंट्स इस तरह से आप, ताकि बुक कंप्लीट शो हो सके। ऊपर के एरिया में भी सेम वैसे ही हल्का हल्का से शेडो आप शो करें। पेजेस वाला एरिया स्टूडेंट्स आप इस तरह से स्टॉक लगा के ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहले की तरह ही आप शेडिंग वर्क इसमें शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक ड्रॉ हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको बुक ड्रॉ करने की टेक्निक समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।